भी है इंस्टाग्राम पर, क्या आप भी बनाते हैं रील्स? तो ये खबर है आपके लिए, क्योंकि अब कोलकाता पुलिस भी आने वाली है इंस्टाग्राम पर। वो कोलकाता पुलिस जिनके फेसबुक और ट्विटर पर लाखों फॉलोवर्स हैं, लेकिन अब वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलकाता पुलिस का रील से क्या संबंध है, तो आपको बता दें कि साइबर अपराध के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कोलकाता पुलिस अब रील्स बनाने इंस्टाग्राम पर आ रही है। साइबर अपराध से लोगों को सतर्क करने के लिए अब कोलकाता पुलिस इंस्टाग्राम में रील्स बनाएगी। पुलिस का कहना है कि मेट्रो में सफर करते यात्री हो या फिर बस की प्रतीक्षा करते बस स्टैंड पर बैठे लोग, राह चलते इंस्टाग्राम पर रील्स देखते कई लोग नजर आते हैं, जो एक मिनट के शॉर्ट कंटेंट वीडियो को देखने के लिए अपनी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया में व्यतीत करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कोलकाता पुलिस भी अब इंस्टाग्राम पर आ रही है। देश में अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में तेजी से प्रचलित हो रहे इंस्टाग्राम रील्स पर आज साधारण व्यक्ति से लेकर निजी एवं सरकारी संस्थानों के आधिकारिक अकाउंट है। इंस्टाग्राम रील्स पर बढ़ते ऑडियंस और एंगेजमेंट को देखते हुए कोलकाता पुलिस भी अब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल साइबर अपराध को रोकने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए करने जा रही है। अक्सर हम देखते हैं कि आए दिन न जाने कितने फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, साइबर फ्रॉड यहाँ देखने को मिलते हैं। कोलकाता में आए दिन एक से एक फ्रॉड हम देखते हैं। जो विधाननगर साइबर क्राइम की पुलिस है, न जाने कितने कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर चुकी है, कितने साइबर अपराधियों को अपने चंगुल में ले चुकी है, कितनों की गिरफ्तारियाँ यहाँ हो चुकी है। बावजूद इसके साइबर फ्रॉड बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसे लेकर जागरूकता अभियान उनके द्वारा कोलकाता पुलिस द्वारा आए दिन लगातार फैलाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज या लिंक के माध्यम से, न जाने कितने तरह से जो झांसे साइबर अपराधी देते हैं आम लोगों को, इसके चंगुल में कई आम जनता फंसवाते हैं। यही वजह है कि उन आम जनता को जागरूक करने के लिए खुद कोलकाता पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ चुकी है। फेसबुक व एक्स हैंडल पर कोलकाता पुलिस के लाखों फॉलोवर्स हैं। कोलकाता पुलिस के साइबर सिक्योरिटी सेल के आधिकारिक फेसबुक पर रोजाना जागरूकता से जुड़ा वीडियो अपलोड करते हैं। अब इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर कोलकाता पुलिस वहां साइबर फ्रॉड के नए तरीके और इससे बचने के उपाय के बारे में रील्स बनाएगी, जिससे समाज को साइबर क्राइम से निपटने के लिए हमेशा अपडेट रखा जा सके। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो बस स्टॉप पर खड़ा हो या मेट्रो में सफ़र कर रहा हो, बस में सफ़र कर रहा हो, ट्रेन में सफ़र कर रहा हो या फिर कोई भी फ्री टाइम हो, तो वो रील्स देखता हुआ ज़रूर आपको आसपास नज़र आ जाते हैं। अब इसी को मुद्दा बनाया है कोलकाता पुलिस ने। कोलकाता पुलिस ने देखा कि जो रील्स है वो काफ़ी शॉर्ट कंटेंट होता है और ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करता है। इसमें म्यूज़िक होते हैं और भी काफ़ी अट्रैक्टिव कंटेंट इसमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से लोग इसे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने ये डिसाइड किया कि जो रील्स है, रील्स के माध्यम से अब लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोलकाता पुलिस ने ये डिसीज़न तो ले लिया कि वो रील्स बनाकर लोगों को जागरूक करेगी। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस का फेसबुक पेज है और ट्विटर हैंडल भी है। इन दोनों के माध्यम से वो अक्सर कई तरह के सुरक्षा के लिहाज से, ट्रैफिक नियम हो या फिर साइबर अपराध हो, कई तरह के जो जागरूकता अभियान है उस सिलसिले में वीडियो हमेशा इसमें अपलोड करती है। लेकिन जो ये जो नई पहल शुरू करने जा रही है, इसे लेकर लाल बाजार के एक अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। दरअसल लाल बाजार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समय समय पर इंस्टाग्राम रील्स पर शॉर्ट कंटेंट, वीडियो थीम, म्यूजिक और अनेकों फीचर के साथ काफी आकर्षक रूप से तैयार किए जाते हैं। इन वीडियो को सेव और शेयर किए जाने की सुविधा से लाखों लोगों को साइबर अपराध को लेकर सतर्क किए जाने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ हर उम्र के लोगों को साइबर अपराध के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी भी दी जा सकेगी। पुलिस की तरफ से पोस्टर एवं कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी ये मानते हैं कि रील्स लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इनका जो कंटेंट होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। इस वजह से लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और इस शॉर्ट कंटेंट को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि वो चाहे जितना भी बिजी हो, उसमें से छोटा थोड़ा सा भी अगर टाइम, उन्हें फ्री टाइम मिल जाए, तो उस फ्री टाइम का यूज़ वो रील्स देखकर, शॉर्ट्स देखकर बना लेते हैं। यही वजह है कि अब कोलकाता पुलिस भी इंस्टाग्राम पर आने
रोकने का फैसला ले चुकी है और इंस्टाग्राम पर आकर वो लोगों को अब जागरूक करेगी। इंस्टाग्राम अगर आप भी यूज करते हैं तो कोलकाता पुलिस को जरूर फॉलो करें और उनके द्वारा जो जागरूकता अभियान, जो यहाँ से नई पहल जो शुरू की जा रही है, उसे जरूर देखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए ही कोलकाता पुलिस अब आ रही है इंस्टाग्राम पर, वो भी एक से एक जागरूकता के वीडियो के साथ रील्स बनाने। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरी लाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।